अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाएंगे आलू भिंडी। तो वैसे तो हमारी ग्रेवी वाली भी भिंडी हो गई और मसाले वाली भी, तो आज हम बनाएंगे आलू भिंडी। तो ये देखिए, तो एक ही आलू लूँगी और 5 किलो भिंडी। तो आलू ऐसे भी कम खाते ना, इसके लिए एक आलू और एक टमाटो, एक अनियन और 4-5 ग्रीन चिली। और अगर आपको तेज़ कम रखना है तो स्किप कर देना ग्रीन चिली को, कोई बात नहीं। और ये हमारा मसाला है हल्दी, मिर्ची, धनिया और आमचूर था वो, हाँ आमचूर का पाउडर था आधा चम्मच, बस सब एक एक चम्मच। तो फिर बस हम अनियन को कट करके उसको 2 चम्मच तेल डाल के उसमें अच्छे से अनियन को लाल होने तक, मतलब लाल नहीं करेंगे, हल्का सा कलर चेंज होने के बाद हम उसमें आलू को कट करके डाल देंगे। और आलू और अनियन साथ में हम फ्राई करेंगे ताकि आलू भी गल जाए और अनियन भी लाल हो जाए। और इसको मीडियम फ्लेम पे हम अच्छे से, मतलब लाल को लाल करेंगे जिससे कि हल्का सा गल जाए। तो देखिए ऐसा लाल हो जाएगा, तो हम उसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। तो ये भी हम इसके साथ भुनेंगे, यानी भुनेंगे नहीं सॉरी, स्मेल होने तो उसको भी अच्छे से मतलब आपको समझ जाएगा, कोई बात नहीं। तो ये देखिए, जैसे कि मैंने जिसको भी मैंने अदरक लहसुन के साथ मिक्स कर ली थी, फिर उसके बाद छोड़ दीजिए थोड़ा ढक के, जैसे कि आलू गल जाए तो 1-4 मिनट से ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो जब मैंने ढक्कन हटा के खोल के देखी तो इस तरह से हमारे आलू भी हो गए थे, और ये देखिए कलर चेंज भी हो गया था अनियन का, अदरक लहसुन की स्मेल भी निकल गई थी, और ये हल्दी मिर्ची और धनिया पाउडर और आमचूर पाउडर, तो आमचूर आधे ही चम्मच से कम लेना, क्योंकि हम पहले से उसमें एक टमाटर डाल रहे ना, तो इसके लिए आमचूर आधे ही चम्मच लेना। तो ये मस्त छुट्टी छुट्टी अच्छी लगती है। तो इस तरह से आप बनाएंगे सच में आपको आलू भिंडी बहुत अच्छी लगेगी। तो फिर हम डाल दिए उसके अंदर मसाला, फिर अपना जो एक टमाटर कट करके रखी थी वो भी इसमें ऐड कर देंगे, और टमाटर के साथ अच्छे से इसको भी भून लेंगे ताकि मसाला भी भून जाए और टमाटर भी गल जाए। और फिर थोड़ा सा पानी इसमें भी डाल देंगे हम, ये मसाला हमारे नीचे लगे नहीं कढ़ाई में, ठीक है। ये देखिए मैंने पानी डाली थी, तो उसको मिक्स करके अब इसको थोड़ी सी देर के लिए, 5 मिनट के लिए हम इसको ढक देंगे, तो हमारा टमाटर भी गल जाएगा और आलू भी, जो थोड़ा बहुत आलू बाकी है ना वो भी गल जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से हो गया था जब मैंने ढक्कन हटाई कढ़ाई का, तो पानी भी सूख गया था और टमाटर भी गल गया था और मसाला भी अच्छे से भुन गया था। बस हम इसमें भिंडी ऐड कर देंगे, और भिंडी को भी ज़्यादा गलाते नहीं है उसको, हम बस 6-7 मिनट के लिए उसको ऊपर नीचे करके अच्छे से मिक्स कर देंगे, और फिर ऑलमोस्ट हो जाएगी हमारी आलू भिंडी। तो ये देखिए मैं ग्रीन चिली बता रही हूँ, जो मैं 3-4 रखी थी वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी, तो थोड़ा सा स्पाइसी, बाकी ऐसा तो अगर आपको स्पाइसी नहीं चाहिए तो आप ग्रीन चिली को सच में स्किप कर देना, क्योंकि किसी बहुत से लोग ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते ना इसके लिए, जैसे हम लोग भी ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते, बस थोड़ा सा। तो फिर बस मैंने इसको मिक्स कर ली थी अच्छे से भिंडी डाल के, ये भिंडी में जो चिपचिपा सा रहता है ना, ऐसा स्टिकी पना सा, तो उसको हम जब तक चम्मच चलाते रहेंगे, यानी स्पैचुला को चलाते रहेंगे, कि उसका स्टिक पना ख़त्म हो जाएगा। तो फिर हम बस डन, भिंडी हो गई इसका मतलब हमारी। तो ये देखिए इस तरह से हमारा आलू भिंडी तैयार है ग्रीन चिली के साथ, मस्त कट करके खाएंगे। तो आप इसको रोटी के साथ खाना तो बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत लाजवाब लग रही थी। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपकी आलू भिंडी किस कैसे लगी। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक भी कीजिए। अल्लाह हाफिज़।